हाँ जी बेटा, आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले भी दो तीन क्वेश्चन तुम कर चुके हो, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन एंड सो ऑन प्लस टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू फोर एन स्केयर प्लस सिक्स एन माइनस वन ओवर थ्री। यह ध्यान रखना है कि यह दोनों रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं, डेसिमल का निशान नहीं है, क्योंकि इतों नज़र आ रहा थानू कि यह दो रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसी तरह स्टार्ट करो फॉर एन इज इक्वल टू वन। पहला स्टेप स्टेप वाइज करांगे इनू। फॉर एन इज इक्वल टू वन, वन वास्ते तुम दस्या कि इधरों फर्स्ट स्टैप ले लेना आप। लैफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट स्टैप आ गया वन इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एन की जगह पर वन लगाओ वन। फोर इंटू वन स्केयर फोर प्लस सिक्स इंटू वन सिक्स माइनस वन ओवर थ्री। ये आ गया बेटा वन ना मल्टीप्लाई करांगे सेम आएगा रकम, छः चार दस, दस तो एक गए नौ बटा तीन, ये आ गया तीन। ठीक है, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर आ गई हैं। देयर फोर रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। सेकेंड स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू के वास्ते इतने अभी लिख लेना, लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ए ध्यान रखना असं इतने एज्यूम कर लिया, यानी कि मान लिया कि जोड़ा एन इज इक्वल टू के वास्ते यह स्टेटमेंट जी वो ट्रू है। वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस एंड सो ऑन प्लस टू एन माइनस वन इंटू टू एन की जगह पर की लगाना असी के लगाना, यह आ जाएगा प्लस टू के माइनस वन टू के प्लस वन इज इक्वल टू के। फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन ओवर थ्री। एन आप मान ली फर्स्ट इक्वेशन कि यह जी स्टेटमेंट है एन इज इक्वल टू के वास्ते ट्रू है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप दे विच असी बेटा प्रूव करना है, इतने लिखांगे लेट अस प्रूव दैट, इतने असी प्रूफ करांगे, प्रूफ दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। जो असी प्रूव करना है तो लैफ्ट ते राइट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, यदा मतलब लैफ्ट हैंड साइड जी है वह आ गई तेरे को वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस टू के माइनस वन इंटू टू के प्लस वन। हूँ जोड़ा बेटे एन इज इक्वल टू के प्लस वन है, ये असी डायरैक्टली के की जगह पर के प्लस वन इतें ही नहीं लगा देना, मतलब इस तो एक स्टैप अगे चलना है, उस अगले स्टैप के असी के की जगह पर के प्लस वन लिखांगे। प्लस टू करना की है बेटे, बहुत सारे बच्चे इतने मिसटेक करते, यह जोड़ा के है ए जगह पर लिखना के प्लस वन, यानी कि सीधा कई बच्चे की करते इस तरह सीधा लिख देंगे टू के प्लस वन, तो वह क्वेश्चन हो जाता गलत। ठीक है, इतने ध्यान रखना कि इतने असी ब्रैकेट पा के लिखना है, इस करके मैं इतने वड्डी ब्रैकेट स्टार्ट करती, क्योंकि छोटी ब्रैकेट लिखांगे के प्लस वन माइनस वन इंटू ऐसे तरह टू इंटू के प्लस वन प्लस वन। सारे क्वेश्चन के बीच यही खास ध्यान रखने वाली गल है कि जो असी इस तरह टू के नाल के प्लस वन लिखना है तो ब्रैकेट लगा के लिखना है। हाँ जी बेटा, हूँ तुम्हें पता वै कि इतों की लैके इतने तक आप रिजल्ट अज्यूम कर चुके हैं कि रिजल्ट जो ट्रू है, यदा मतलब यह पूरी स्टेटमेंट की जगह पर असं की लिख देंगे दिस इज इक्वल टू के इंटू, इतने असं लिख देंगे दिस इज इक्वल टू के इंटू फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन ओवर थ्री। इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पर, क्योंकि यह पूरी स्टेटमेंट इतने बराबर है। नेक्स्ट की आ जाएगा प्लस
इनू नाल ही मल्टीप्लाई कर दो, टू के प्लस टू, जो तुम उस तरह लिख देंगे तो बनना ही टू के प्लस वन, उत्थे गलत हो जाना सी क्वेश्चन, माइनस वन इंटू टू के प्लस टू प्लस वन, नीचे कोई एलसीएम नहीं, इतने हूँ लवेंगे असी, इतने उपर मल्टीप्लाई कर दो तो नाल ही एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया बेटा थ्री, ए बन गया तेरे को फोर के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के, क्योंकि सानू पता लग चुका है कि ए जरा फोर इंटू माइनस वन है, ए माइनस फोर बनेगा तो सिक्स नू असी तोड़ना है, कोई इस तरह दिया दो रकमां नहीं है जिन्हों असी तोड़ सके, यानी कि कोई दो रकमां नहीं है जिन्हों की मल्टीप्लीकेशन माइनस चार आए तो उन्होंने उस तरह तो प्लस माइनस करके छे बने, यदा मतलब फिर इनू सिर्फ मल्टीप्लाई करांगे, इतने ये असी मल्टीप्लाई करता, हूँ इधर की आ जाएगा प्लस थ्री, थ्री ना मल्टीप्लाई करांगे इंटू ए बन चुका तड़ा टू के माइनस वन, टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री, क्योंकि यह दोनों रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं, इको रकम नाल फिर मल्टीप्लाई इतने थ्री आएगा, ठीक है, दो बारी थ्री नहीं लिखना क्योंकि ये कोई प्लस का निशान नहीं है, ए हूँ असी इनू रब कर दें क्योंकि यह लिख चुके हो तुम, हाँ जी हूँ देखते हैं कि आएगा, दिस इज इक्वल टू फोर के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के प्लस थ्री, पहले दोनों मल्टीप्लाई करो, ये बन गया फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस टू के प्लस थ्री, मैथड मैं तुम्हें अगे भी गुणा करन दा दस्या होया, पहले टू के नू पूरी ब्रैकेट ना मल्टीप्लाई करना है, फिर वन नू पूरी ब्रैकेट ना मल्टीप्लाई करना है, ओवर एलसीएम आ गया थ्री, दिस इज इक्वल टू फोर के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के प्लस ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस अठारह के प्लस सिक्स के प्लस नाइन ओवर थ्री, दिस इज इक्वल टू फोर के क्यू प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर की रकम ऐड कर दो, बारह ते छः अठारह के स्क्वायर, हाँ जी अठारह के प्लस छे के चौबी के चो एक के कटा दो, ये बन गया प्लस तेई के प्लस नौ बटा आ गया तीन, हूँ यह बन गई तुहाडी क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यह तुसी तुहानू पता या तो हीट एंड ट्रायल मैथड लगेगा इतने, या फिर तुसी दूसरा तरीका ईजी करना है तो उन्होंने की कर लो कि इनू इस तरह इतने छड़ दो कि यह तुहाडी लैफ्ट हैंड साइड आ गई, हूँ राइट हैंड साइड नू प्रूव करना शुरू कर दो, देखांगे कि वो बराबर आ रही है, अगर आ रही है तो इहदा मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू, हूँ असी लिखांगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जिहड़ा बेटा है वो जिहड़ी तुहाडी रकम है वो डायरैक्ट पुट कर दो, क्योंकि यह क्वेश्चन जिहड़ा वै इस तरह थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिस तरह नू सॉल्व करोगे उस तरह थोड़ा ईजी हो जाएगा, इत्थे तुसी डायरैक्ट एन की जगह पर के प्लस वन पुट कर दो, फोर के इत्थे फिर उही ध्यान रखना है एन की जगह पर k प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस सिक्स इंटू के प्लस वन माइनस वन ओवर थ्री, मतलब इनू सिंपलीफाई कर लो, अगर ए बराबर आ गया यदा मतलब स्टेटमेंट की हो जाएगी थोड़ी ट्रू हो जाएगी, हूँ देखते हैं कि ये बराबर आता या नहीं आता, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू फोर एक होल स्क्वेयर बन गया के स्क्वेयर प्लस टू के प्लस वन, वन द स्केयर वन हों प्लस सिक्स के प्लस सिक्स माइनस वन ओवर थ्री, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू फोर के स्क्वेयर प्लस एट के प्लस फोर प्लस सिक्स के प्लस फाइव ओवर थ्री, हाँ जी इनू पहले सिंपलीफाई करो, के प्लस वन इंटू फोर के स्क्वेयर आठ के प्लस छे के कितना आ गया चौदह के, चार प्लस पाँच नौ ओवर तीन, हूँ के प्लस वन ना नू मल्टीप्लाई कर दो, पहले के ना करो सारी रकम नू मल्टीप्लाई, ये बन गया फोर के क्यूब प्लस चौदह के स्क्वेयर प्लस नौ के, हूँ वन ना करो फोर के स्क्वेयर प्लस चौदह के प्लस नाइन ओवर थ्री,
दिस इज इक्वल टू 4k³ प्लस, हाँ जी 14k² प्लस 4k² कितना आ गया 18k² 9k प्लस 14k यहाँ आ गया प्लस 23k प्लस 9/3। हुण ध्यान ना देखो सेम रकम बन गई, उस तरह इनू डिवाइड कर दे हिट एंड ट्रायल मैथड ना कि इस तरीका सीगा कि पहले लभदे सी इहदा फैक्टर कौन है फिर उस तो बाद उन्हें डिवाइड कर दे फिर उस तो बाद तां फिर उहदे बराबर रकम बननी सी। तो इहदा विच की हो गया कि सीधा तुसी लैफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली तो राइट हैंड डायरैक्ट पुट करके असी आंसर निकाल लिया। इतों की नज़र आया सानू लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफोर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1। अगे लिख देना हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर, एस निशान उसी बोलते हैं फॉर ऑल। 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/(n×n+1)×(n+2) इज इक्वल टू (n×n+3) ओवर 4(n+1)×(n+2)। हाँ जी बेटा, फर्स्ट फॉर एन इज इक्वल टू 1 वास्ते फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/(1)×(2)×3) ये आ गया बेटा 1/6 नेक्स्ट राइट हैंड साइड दे विच असी 1 पुट कर लेंगे 1/(1)+3)/(4)×(1+1)/(1+2) ए बन गया 1/4 आ गया 4×(2)×3 4 × 4 कैंसल हो गए 1/6 आ गया। देयरफोर इतने आ गया बेटा कि आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफोर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू के वास्ते असी की करना सेकेंड स्टेप अगले की करीदा सी एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ओदे वास्ते एज्यूम कर लिया सेम स्टेटमेंट उतार लेनी 1/(2)×3 प्लस 1/(2)×3×4 प्लस एंड सो ऑन 1/(k×k+1)×(k+2)। बेटा डायरेक्ट ही इतने एन की जगह पर असी के लगा देना क्योंकि एज्यूम कर चुके हैं आप k+3/(4)×k+1)×k+2 आ गई थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हूँ इस तरह थर्ड वास्ते की करांगे लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 वास्ते सी प्रूव करना है। जो प्रूव करना है तो लेफ्ट राइट साइड असी प्रूव करांगे। ठीक है, पहले तो लिखन का तरीका सीखो कि इनू की करना है लेफ्ट हैंड साइड जो असी लिखनी है ये क्वेश्चन इतों थर्ड स्टेप तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे है 1/(2)×(3)×4 प्लस 1/ देखो यह स्टेप जड़ा वै जिथे आप के पुट कर रहे हैं यदा मतलब असी के स्टेप आप लिख चुके हैं असी उस तो एक अगे स्टेप चलना है के प्लस 1
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਤੱਕਣ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੇ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਓਵਰ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਓਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਰਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਮਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਮਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵਨ ਓਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਓਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੇ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਓਵਰ ਫੋਰ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਰਕਮ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਨ ਓਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਨ ਓਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ, ਐਲਸੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਫੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਸੀਅਮ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕੇ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਓਵਰ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇੰਟੂ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਨਾਈਨ ਪਲੱਸ ਸਿਕਸ ਕੇ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਓਵਰ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਫੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨੀਚੇ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੇ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ ਨਾਈਨ ਕੇ ਪਲੱਸ ਸਿਕਸ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਫੋਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਕਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਅਤੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੇ ਕਿਊਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖੋ, ਸਿਕਸ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਨਾਈਨ ਕੇ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਓਵਰ ਫੋਰ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇੰਟੂ ਕੇ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
देखो हुण अगर असी के दी वैल्यू इत्थे हुण नज़र आ रहा के प्लस वन जिहड़ा कैंसल होना चाहिए, तो यह मतलब असी चैक करांगे कि के प्लस वन का फैक्टर है या नहीं। पुट के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर इनू जीरो पुट करिए तो के दी वैल्यू आ गई माइनस वन, तो इनू असी उहदे विच पुट करांगे, पुट के इज इक्वल टू माइनस वन इन के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर, एहदे च पुट करके वेखांगे की आंदा है। एहदे च माइनस वन पुट किया माइनस वन क्यू सिक्स इंटू माइनस वन स्क्वायर नाइन इंटू माइनस वन प्लस फोर, यह बन गया बेटा माइनस वन प्लस सिक्स इंटू वन, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस नाइन प्लस फोर, यह बन गया माइनस टेन प्लस टेन, क्योंकि सिक्स इंटू वन सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन माइनस दे तो टेन प्लस दे आ गए तो जीरो आ गया। अगर आ जीरो बन गया तो मतलब के माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि देयरफॉर के प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर। अगर यदा फैक्टर है तो यह मतलब इनू पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, तो वह हूँ तुम साइड पर डिवाइड करना पेगा, तो इतने असी इनू डिवाइड करांगे, यह रकम तुहाडे कोल आ चुकी इतने, ठीक है, इतने लाइन लगा दें। हाँ जी, हूँ डिवाइड करके देखांगे, के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर, यह रफ पार्ट है बेटा, यह बेशक साइड पर कर लेना। इतने के प्लस वन ए तुसी पिछलियां क्लासेस से सीखा होया किस तरह डिवाइड करना है, यह के क्यूब है पहली रकम, तो यह के है तो यहाँ मतलब इनू के स्क्वायर ना मल्टीप्लाई करांगे तो के क्यूब बनेगा, ये बन गया के क्यू प्लस के स्क्वायर, माइनस कटाने लगे हमेशा माइनस कर देना साइन चेंज हो जाने हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कैंसल हो गए, सिक्स माइनस वन फाइव के स्क्वायर प्लस नाइन के, हूँ पहली रकम बन गई फाइव के स्क्वायर, तो यह मतलब इतने प्लस फाइव के ना मल्टीप्लाई करांगे, हमेशा पहली रकम डिवाइड से कैंसल होनी चाहिए है, यह बन गया फाइव के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस माइनस ये कैंसल हो गया, ये बन गया फोर के प्लस फोर, प्लस फोर ना मल्टीप्लाई करो फोर के प्लस फोर, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्योंकि फैक्टर सेगा पूरा डिवाइड होना चाहिए सी, यदा मतलब जिहड़ी यह रकम आई है इनू असी किहदे बराबर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर, नीचे आ गया फोर इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, के प्लस वन ना के प्लस वन कैंसल हो गया, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, ए हुण उपर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टर असी बना सकते हैं, के स्क्वायर प्लस के प्लस फोर के प्लस फोर ओवर फोर के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, हूँ यह पता थानू ये फैक्टर की बन गए। हाँ जी बेटा, ये फैक्टर बन गए के प्लस वन इंटू के प्लस फोर ओवर फोर इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। हाँ जी, राइट हैंड साइड जी बेटा है वो तुसी पुट करके देख लो, एन की जगह पर लगाओ के प्लस वन, एन की जगह पर के प्लस वन पुट किया, इतने के प्लस वन प्लस थ्री बन गया के प्लस फोर, नीचे इस तरह फोर इंटू के प्लस टू तो के प्लस थ्री बन जाएगा, देयरफोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस बाकी स्टेटमेंट उस तरह लिख देनी है, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, हैंस also result is true for all n belongs to the natural numbers। इस तरह बेटा बाकी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, तो इस तो नैक्सट जे इस टाइप के होर इस क्वेश्चन है जो नैक्सट टाइप के और कल करांगे।